नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दत्तात्रेय और आप देख रहे हैं वाणी टेक। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम YouTube चैनल के अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो आज बहुत खुशी का दिन है कि हम एक दूसरा YouTube चैनल चालू कर रहे हैं। इससे पहले मेरा और एक YouTube चैनल है जहां पे मेरे 75,000 सब्सक्राइबर है और वो भी एक टेक्निकल बेस है। अब इस चैनल पे भी हम कंप्यूटर बेसिक के बारे में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, स्कूल के लिए जो रहते हैं उनके लिए जो स्पेशली क्लासेस रहते हैं वो इस चैनल से हम चलाने वाले हैं और बिल्कुल फ्री में है। आप चाहे इस पे आके ज्वाइन करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो और ज़्यादातर जो कोर्सेस है वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ही है जहाँ पर आप अर्निंग कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम TCC कोर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। TCC कोर्स मतलब टैक्स कंसल्टेंट कोर्स है, जो इसकी कालावधि लगभग 50 दिन की रहती है और आप इसको ज्वाइन करके हमारे यहाँ पे जो सीए काम करते हैं अकाउंटिंग का, उस तरीके से आप अपना खुद काम कर सकते हो या आपका कोई प्रैक्टिस हो तो वो भी आप घर से कर सकते हो। ज़्यादातर जो घर पे महिला रहती है उनको आउटडोर से ऑनलाइन से कुछ काम अगर करना होगा अकाउंटिंग का या टैक्स का, तो सारी जानकारी हम इस कोर्स में देने वाले हैं। हमारे साथ जो अभी जुड़े हुए हैं वो श्री अमोल जी पाटिल सर है, जो इस कोर्स के हेड है और वो एक प्रोफेशन से 15 सालों से सीए है और सीएस के वो उनकी प्रैक्टिस अभी अच्छी है। उनके पास लगभग 5,000 से भी ज़्यादा क्लाइंट है, तो वो लगभग इस काम में हमारे साथ कोर्स में जुड़े हुए हैं। तो आप भी इस कोर्स में आके ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे रहने का और ट्रेनिंग के वक्त जो कुछ ट्रेनिंग है वो पूरा यहाँ पे दिया जाएगा। उसका कुछ जो चार्जेस है वो आप कॉल करके भी पूछ सकते हो हमसे। जो TCC है कोर्स, यानी टैक्स कंसल्टेंट कोर्स है, इससे आप ज़्यादातर टैली सर्टिफाइड कर सकते हो। टैली सर्टिफाइड एक 100% जॉब देने वाला कोर्सेस है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में ये सब होते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो काम करते हैं, जैसे इंडस्ट्री एरिया में जो काम करते हैं वहाँ पर ज़्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रहती है, वो अकाउंट अपना ठीक तरह से नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी हम अपने वाणी टेक यूट्यूब चैनल पे टैली सीरीज हम बनाने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज अनाउंसमेंट कर देते कि हमारा जो नया यूट्यूब चैनल है वो आज से हम रन कर रहे हैं और इसके लगातार हर संडे सुबह 10:30 बजे हमारा एपिसोड वाणी टेक यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। तो आप उसको देखिए, इसमें कंप्यूटर बेसिक, 2D 3D, इंडस्ट्रियल कोर्सेस बहुत से हैं जो आप यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ हमसे जुड़ के भी अगर कोई जानकारी चाहिए या ऑफलाइन कोई आप कोर्स करना चाहते हो या ऑनलाइन कोई कोर्स करना चाहते हो तो हमसे जुड़ के आप ट्रेनिंग ले सकते हो और इसकी फ़ी और बाकी के डिटेल हमसे कॉल करके आप पूछ सकते हो। टैक्स कंसल्टेंट कोर्स में आपको जो सिखाया जाएगा उसमें ऑनलाइन में या ऑफलाइन में दोनों जगह से हमारे क्लासेस चालू है। तो ऑफलाइन में जो कोर्सेस है इसमें आपको टैक्स कंसल्टेंट में ऑनलाइन रिटर्न किस तरीके से भरना है, GST कैसे भरना है, ई वे बिल किस तरीके से जनरेट करना है या बाकी के जो TDS रहते हैं, रिटर्न रहते हैं या अदर, तो उसको कैसे फिल करना है, उसमें आने वाले टेक्निकल इशू कौन कौन से हैं और आप अगर कोई GST भर रहे हो और उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसको किस तरीके से गलती होने से रोकना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रैक्टिकल में आपके साथ जुड़ के करके दे देते हैं। तो हमारे इस कोर्स को आप ज्वाइन ज़रूर कीजिए। हमारा जो टैक्स कंसल्टेंट कोर्स है, ये कोर्स करने के बाद आपको जॉब भी हम प्रोवाइड कर देते हैं, इसका प्लेसमेंट भी हमने चालू कर दिया है। तो चाहे तो आप ये कोर्स पूरा करके हमसे प्लेसमेंट भी आप ले सकते हैं और प्लेसमेंट के कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ट्रेनिंग देना ही हमारा बिजनेस है और उसी तरीके से हम उसको हैंडल कर देते हैं। TCS कोर्स के बारे में आज डिटेल में हम जानेंगे। हमारे साथ अभी जो जुड़े हुए वो श्री अमोल जी पाटिल सर है, जो CA है, तो आइए उनसे ये सारी बातें हम सुन लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वाणी टेक में आपका स्वागत है। मैं अमोल पाटिल पिछले 15 साल से एज ए टैक्स कंसल्टेंट करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आजकल सर क्या है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ओनर ही सब कुछ करते हैं, मतलब मटेरियल परचेस करना है, मटेरियल सेल करना है और अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं कि क्या करते हैं कि अकाउंटेंट रखना है तो 10-12,000-15,000 सैलरी तो देनी पड़ती है प्रेशर के लिए, और ये स्मॉल केस में संभव नहीं होता कि 10-12,000 रुपये मालिक आपने हाल ही में अपना व्यवसाय मतलब बिजनेस शुरू किया है, तो ये सारी दिक्कतें हमारे क्लाइंट को आती थी और आपको मार्केट में भी आती है। तो हमने क्या किया है कि एज ओ आप ओनर हो या बहुत सारी कंपनी में क्या है अकाउंटेंट रहते, वो क्या करते हैं कि अकाउंटेंट अपना जो काम है अकाउंटिंग का वो करते हैं, लेकिन
उसमें फाइनलाइजेशन के लिए सीए के पास जाना है, कंसल्टेंट के पास जाना है, तो उधर वो अटक जाते। तो हमने क्या ऐसा कोर्स टैक्स कंसल्टेंट करके कोर्स शुरू किया है, उसमें क्या है बहुत सारा, मतलब 90% है हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं आपको इनकम टैक्स का रिटर्न कैसा फाइल करना है, जीएसटी का रिटर्न कैसे, सब जो GSTR 3B है, GSTR 1 है, वो कैसे फाइल करने का वो प्रैक्टिकली दिखाते हैं। मतलब हमारा डेटा रहता है वो ओरिजिनल रहता है, हमारा बुकिश नॉलेज बहुत कम देते हैं आपको, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हमारा जो ये कोर्स है। तो इसके ये कोर्स पूरा करने से आपको जॉब में आप है तो आप अपग्रेड हो सकते हैं, प्रमोशन ले सकते हैं, जो आपको सीए के ऑफिस में जो काम रहता है वो आप आपके ऑफिस में खुद ही कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि मालिक लोग भी आपके ऊपर खुश हो जाएंगे और आपका सैलरी भी बढ़ा सकते हैं, मतलब बढ़ा के देंगे। और एज अ ओनर है तो आप सीए के पास कंसल्टेंट के पास जाने की उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप डिपेंडेंट किसके ऊपर नहीं रह सकते, तो इसका आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा, आपकी फ़ीस भी बच जाएगी। ऑनलाइन रिटर्न के अभी तो आपको मालूम होगा कि इनकम टैक्स हो, GST हो, या प्रोफेशनल टैक्स हो, या छोटा सा ईवे बिल भी निकालना है, वो तो 100% ऑनलाइन ही निकालना पड़ता है। तो ये सब हम जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली बता दे, आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं, आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकली नॉलेज देखना है या करना है आपको। देखिए इनकम टैक्स का रिटर्न हम जो हर कंपनी हो या प्रोप्राइटरशिप हो, इंडिविजुअल हो, वो हर एक साल में भरना पड़ता है। तो इनकम टैक्स का हम पूरा बैलेंस शीट करने के बाद, प्रॉफिट लॉस कैसा बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसा बनाते हैं, ये करने के बाद आप अपने खुद से ही इनकम टैक्स का रिटर्न पोर्टल पे जाके सबमिट कर सकते हो, सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको ये कोर्स होने के बाद। वैसे TDS का भी रहता है, कुछ आप पेमेंट करते हो तो TDS काटना पड़ता है, तो TDS कटने के बाद आपको उसका रिटर्न फाइल करना होता है, क्वार्टरली रिटर्न। सैलरी के बारे में हो तो 24Q रहता है, और अदर पेमेंट्स के बारे में 26Q करके क्वार्टरली रिटर्न रहता है, तो वो भी आपको हम अच्छी तरह से सिखा देते। उसके बाद रहता है कि प्रोफेशनल टैक्स, ये प्रोफेशनल टैक्स क्या है कि कुछ राज्यों में है जो कर्मचारी मतलब एम्प्लॉय रहते हैं उसका पेमेंट लिमिट के, फॉर एग्जांपल मार्च में है तो 7,500 से आगे आप पेमेंट करते हो सैलरी करके, तो उसमें प्रोफेशनल टैक्स लग जाता है 175 रुपीज़, और आपकी सैलरी 10,000 से आगे तो आपको 200 रुपये पर महीना डिडक्ट करना पड़ता है, तो उसका भी हम प्रोफेशनल टैक्स का भी रिटर्न फाइल करना सिखाते। देखिए ऑडिट में क्या रहता है कि स्टैचुटरी ऑडिट, मतलब आपका टर्नओवर है जो एक सर्टन लिमिट रहता है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स के लिए वो 5 करोड़ है, 5 करोड़ से आगे आपका जो कारोबार मतलब टर्नओवर चला जाता है 5 लाख के आगे, तो आपको आपके बुक्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट, वो ऑडिट करके लेना पड़ता है। मतलब क्या है कि जो आपने अकाउंटिंग किया है वो सीए होते हैं वो वेरीफाई करते हैं, मतलब जिस बेसिस पर आपने अकाउंटिंग किया है, फॉर एग्जांपल सेल के बिल हो, परचेस हो, सब डिटेल में चेक करते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं, और उसमें जो क्या त्रुटि रहती है, जो दिक्कतें रहती वो अपने रिपोर्ट में बता देते कि आपने पेमेंट TDS नहीं काटा किस पेमेंट पे, नहीं तो पर्सनल एक्सपेंसेस आपने बिजनेस में लगा दिए, तो वो डिसअलाउ में मेंशन करते हैं, वो खर्चा हो तो इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगा, उसके ऊपर आपको फिर से इनकम टैक्स देना पड़ता है। ये हुआ थोड़ा बहुत ऑडिट के बारे में। अभी असेसमेंट क्या रहता है कि आपने बुक्स प्रिपेयर किए, अकाउंटिंग किया, बैलेंस शीट की, प्रॉफिट लॉस अकाउंट किया, उसके ऊपर आपने उसके बेसिस पे आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दिया, तो इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करते हैं कि उनका जो क्राइटेरिया रहता है कि 4-5% फाइल इन डिटेल असेसमेंट करते, मतलब आपने जो सबमिट किया है क्या है, भारत में सेल्फ असेसमेंट करके प्रोसीजर, मतलब जो आपने सबमिट किया है इनकम टैक्स को तो इनकम टैक्स मानता है ये सब सही है, लेकिन ऐसा भी रहता है कि 5% लोगों की स्क्रूटिनी निकल सकती है, तो उसमें क्या करते हैं आपको ऑफिस में बुला के आपका डिटेल सब चेकिंग करते, मतलब अपने सेल परचेस की बिल्स है उसका अकाउंटिंग किया है कि नहीं, खर्चा जो है वो पर्सनल है क्या बिजनेस के लिए, मैंने अभी बताया वैसे पर्सनल है तो डिसअलाउ करेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर, और जो बिजनेस के लिए वो अलाउ करेंगे, ये सब ये जो प्रोसीजर रहते हैं उसको हम असेसमेंट बोलते हैं। तो असेसमेंट एक्चुअली क्या रहता है, अभी तो मैंने उसका हिंट दिया है,
हम डिटेल में वो चर्चा करेंगे कि कैसा ऑडिट करना है, क्या उसमें हम देखना है, ये सारी चीज़ें हम कोर्स में इन डिटेल बताएंगे कि ऑडिट एक्चुअली क्या रहता है और असेसमेंट क्या रहता है। अकाउंट फाइनलाइजेशन मतलब हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटेंट है जो सिर्फ वाउचर एंट्री मारते हैं, तो एंट्री तो एक अभी टैली में हो प्योर सॉफ्टवेयर में है, तो एक एंट्री मारने से वो बैलेंस शीट और पी एंड एल में चला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब बैलेंस शीट और प्रॉफिट अकाउंट फाइनल हो गए। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि बहुत सारे रिकन्सिलेशन रहते हैं, डेप्रिसिएशन आपको डालना है, एडजस्टमेंट एंट्री कुछ है, रेमोनरी पार्टनरशिप है तो रेमोनरेशन कैसा डालने का, और प्रोपराइटरशिप है तो कौन सा खर्चा अलाउ होगा डिसअलाउ होगा, क्या बैलेंस शीट प्रॉपर प्रेजेंटेबल हुई है क्या नहीं, क्या उसमें कुछ अभी दिक्कत है, ये सब फाइनलाइजेशन में आता है। तो हम फाइनलाइजेशन इस तरह सिखाते हैं कि आप कौन सा भी सॉफ्टवेयर हो, टैली हो, ईआरपी हो, या आपका खुद का बहुत बिजनेस लोगों का खुद का भी सॉफ्टवेयर रहता है, तो जो अकाउंटेंट ने किया है उसके आगे जाना है आपको। अकाउंटेंट तो वाउचर एंट्री कर चुका है, तो आपको ये देखना है कि उसने जो किया है, प्रेजेंट किया है, अभी बैलेंस शीट दिख रही है वो सही है क्या नहीं, एज पर कंपनी लॉ हो या इनकम टैक्स के लॉ हो, उसके हिसाब से फाइनलाइजेशन मतलब वो सब एंट्री आपको इनकम टैक्स एक्ट और जो कुछ कंपनी आपका बिजनेस चला रहा है तो उसके हिसाब को आपको उसके हिसाब से आपको वो मेंशन करना पड़ेगा आपको, नहीं तो एंट्री देखनी पड़ेगी। ये सब फाइनलाइजेशन में आता है, ये भी हम आपको अच्छी तरह सिखाते हैं कि फाइनलाइजेशन कैसा करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके ऊपर फाइनलाइज जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है और उसके ऊपर ही ऑडिट होता है, इनकम टैक्स का हो या कोई सीए आपका बिजनेस का ऑडिट कर रहे, तो फाइनलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बिजनेस में क्या है, इंटरनल कंट्रोल ऐसा ऑडिट में है या अकाउंटिंग में, इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या कि कोई अपने मटेरियल परचेस किया है वो उसका गेट पास हुआ है क्या नहीं, गेट में एंट्री हुआ है क्या नहीं, वो अकाउंटिंग में उसका इनवॉइस हुआ है कि नहीं, ये सब है, इसको हम इंटरनल कंट्रोल बोलते। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपको एज अ ओनर इंटरनल कंट्रोल कैसे लगाने हैं कि आपके बिजनेस में कोई इधर उधर हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, माल का हो या इकोनॉमिक हो या पैसे का हो, तो उसके लिए इंटरनल कंट्रोल क्या क्या लगाना चाहिए ये भी हम सीख सकते हैं उसको, और ये ऑडिट के लिए बहुत जरूरी रहता है कि ऑडिटर यही देखता है कि इंटरनल कंट्रोल अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल अभी एग्जाम्पल के लिए हम बैंक का लेंगे कि बैंक का जो पेमेंट रहता है या ये रहता है वो दो तीन लोगों के पास पासिंग होके आता है, मतलब आपको अपने विड्रॉल स्लिप दे दिया तो ऐसा नहीं हो रहा था कि कैशियर के पास चले गए और पैसा निकल गया है, तो ये आप काउंटर पे स्लिप देते हो या चेक देते हो, उसके बाद वो क्लर्क एंट्री करके पासिंग ऑफिसर के पास भेजता है, उसके बाद वो मैनेजर का भी साइनिंग रहता है, इसको हम इंटरनल कंट्रोल बोल सकते हैं कि ऐसे होने से क्या होता है कि फ्रॉड का बहुत चांसेस कम रहता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब तीन चार लोग जो है पासिंग ऑफिसर हो कंट्रोल जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो सब तोड़ के आपको फ्रॉड वो सब कंट्रोल निकल गए तो ही फ्रॉड हो सकता है, तो ये भी हम इंटरनल कंट्रोल बिजनेस में कैसे रन कर सके वो इसमें देखना है आपको। तो मित्रों हमने जो हमारा टैक्स कंसल्टेंट कोर्स है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली है, तो हम वाणी टेक की तरफ से ये ऐसे इंडस्ट्रियल कोर्सेस हम शुरुआत कर चुके हैं कि ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट एज ओनर हो या अकाउंटेंट हो या कोई भी आपको टेक्निकल आप पोस्ट पे है तो बहुत सारे हमारे वाणी टेक के कोर्सेज है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, और हमारे सभी कोर्स है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, इसमें कोई बुक लेके आपको बैठना है कोई ज़रूरत नहीं आपको, हम बुक के अलावा प्रैक्टिकली नॉलेज देना चाहते हैं और दे रहे हैं। हम यूट्यूब के जरिए आपको डेली मतलब फ्रिक्वेंटली हम आपको अपडेट्स देना चाहते हैं, ट्रेन करना चाहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है देखिए कि आप जो काम अभी कर रहे हैं उसमें आपको डेफिनेटली प्रमोशन मिलेगा, या आपको मार्केट का रिसर्च करके हमने ये कुछ कोर्सेज डेवलप किए कि अभी प्रैक्टिकली क्या आपको दिक्कतें आ रही है एज अ ओनर हो या आज आप अकाउंटेंट हो या कोई भी आप पोस्ट पे हो, तो आपको बहुत सारे अभी दिक्कतें हैं वो हम
दिक्कतें कम करना चाहते हैं, इसलिए हमने बहुत सारे वानीटेक की तरफ से कोर्सेज शुरू किए हैं। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले नए हर एपिसोड की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।